में आज सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र की खबर से, जहां सुप्रीम कोर्ट से, उच्च न्यायालय से शिंदे सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार तो मिली, लेकिन साथ ही साथ कंक्लूजन में उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली। कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, सरकार ऐसे ही बरकरार रहेगी। कोर्ट ने कहा कि शिंदे सरकार जैसी है वैसे ही रहेगी। कोर्ट ने कहा कि पुरानी स्थिति बहाल नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद उन्हें राहत दी जा सकती थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में कोर्ट इस्तीफे को रद्द तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उन्होंने स्वतः दिया है, वॉलंटरीली दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के फैसले पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट द्वारा चीफ व्हिप की नियुक्ति गैरकानूनी थी। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जो फैसला लिया था वो पूरी तरह गलत था और संविधान के अधीन नहीं था। अमित पांडे, दिवाकर, विवेक और प्रशांत इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित पांडे के पास जाते हैं। अमित, कोर्ट ने बहुत लंबा फैसला सुनाया, चीफ जस्टिस कभी इस तरफ बैटिंग कर रहे थे, कभी उस तरफ, का पता नहीं लग रहा था कि फैसला किस तरफ जाएगा, लेकिन आखिरकार सुई वहीं पर जाके अटकी कि भाई उद्धव ठाकरे ने रिजाइन क्यों किया। उद्धव ठाकरे का रेजिग्नेशन नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद 30 जून को जो सरकार बनी उसने फ्लोर टेस्ट पास किया, और वो फ्लोर टेस्ट बहुमत की सरकार है, तो स्टेबल सरकार है। अमित, तो बहुत बड़ी रिलीफ। और ये भी कहा कि कोई भी एमएलए विधायक डिस्क्वालीफाई करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी। जी बिल्कुल, और अदालत का यही कहना था, अगर हम सारांश कहें आनंद, तो गलती दोनों ने की, लेकिन बड़ी गलती यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने की। उन्होंने रिजाइन क्यों किया, और अगर रिजाइन नहीं करते तब वो इंटर। एकनाथ शिंदे कुछ कह रहे हैं। भाई और बहनों, आज अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं, पीठ के दो अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। संविधान पीठ ने विस्तृत रूप से सब अपने निष्कर्ष लिखे हैं, कारणों के साथ। महाराष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है, उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। ये कहा है कि व्हिप सिर्फ राजनीतिक पार्टी की हो सकती है, न कि वो विधायिका पार्टी की हो। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। हम नमन करते हैं उच्चतम न्यायालय को। ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, इसलिए उनको रिलीफ नहीं दी। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है कि माननीय स्पीकर को तुरंत निर्णय करना है कम समय में डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का निर्णय तो एक ही हो सकता है। उन्होंने व्हिप का अस्वीकारिता की, लोगों ने, उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया, तो जब आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो क्या बचा? माननीय स्पीकर को तुरंत उस आधार पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, और इसी से न्याय होगा, सत्य की विजय होगी। जहां तक एनसीटी का सवाल है, एक ऐसी सिचुएशन, और ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, कल कांग्रेस होगी, आज आप है, कल बीजेपी होगी। आपने दिल्ली को ये स्वरूप दिया जिससे वहां स्वायत्व हो, यहां पर ऑटोनोमी हो। आज स्वायत्त और दिल्ली की विजय है। दिल्ली के हर उस तरीके तौर तरीके से जिसमें केंद्र सरकार ने गलत रूप से हस्तक्षेप किया है, उसको निरस्त किया गया है इस निर्णय द्वारा। और इसमें हर पक्ष में, कोई सिंगल ऐसा पक्ष नहीं है, मुझे सौभाग्य था इसका दलील करने का, और कोई हमारा ऐसा पक्ष नहीं है जिसको मना किया गया हो। मैं समझता हूं कि जो सर्विसेज हैं, जो यहां के काम हैं, अब बिना अवरुद्ध होने के, बिना उल्लंघन के, बिना विलंब के, बिना तूतू में आरोप प्रत्यारोप के जल्द होंगे, क्योंकि इसका फायदा है नागरिक दिल्ली का। फ्रेंड्स, आई वेरी ब्रीफली टेल यू इन इंग्लिश, दिस हिस्टोरिक डे, टू मेजर जजमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच।
वेरी डिटेल्ड वेरी ऑर्गेनाइज्ड इंडेक्स्ड विद कंक्लूजंस एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न्ड एवरी मेजर सब्सटेंटिव फाइंडिंग हैज बीन इन फेवर ऑफ द साइड वी वर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नर्स डिसीजन इज रॉन्ग बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इररिलेवेंट कंसिडरेशंस द स्पीकर्स रिकॉग्निशन इज ऑफ द रॉन्ग व्हिप द व्हिप हैज टू बी बाय अ पॉलिटिकल पार्टी नॉट अ लेजिस्लेचर पार्टी etc. अभिषेक मनु सिंघवी का कहना सारे फैसले हमारे पक्ष में हुए. अमित पांडे आप किनसे बात कर रहे हैं? अमित पांडे पर चलते हैं. जी जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी का. देखिए आनंद, इस वक्त हमारे साथ राहुल शिवाली जी मौजूद हैं. ये शिंदे ग्रुप के सांसद हैं और तमाम प्रतिक्रिया आई है. अभी अभी सर संजय राउत ने यहाँ पर मुंबई में कहा है कि ये जो फैसला है सरकार के लिए झटका है और इसमें गवर्नर की गलती निकाली गई है और उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया. संजय राउत जी पागल हुए हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है. और अभी सिंघवी जी भी कह रहे थे कि जो फैसला लिया गया है उसमें तमाम पक्षों की गलती निकाली गई है. नहीं, वो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन फाइनली जो डिसीजन दिया है वो इम्पोर्टेंट रहता है, ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट नहीं रहता. तो उन्होंने चार जो मुद्दे ए बी सी डी जो बोले वो इम्पोर्टेंट है और वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है. स्पीकर से राहत मिलने की उम्मीद है उन्हें, डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला स्पीकर पे छोड़ा है और सरकार को उन्होंने एक्सेप्ट किया है. और डिस्क्वालिफिकेशन का जो फैसला है उसमें अब क्या स्पीकर से आपको राहत मिलने की उम्मीद है? आप डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में स्पीकर उसकी प्रोसीजर करेंगे और डिस्क्वालिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेगी और उसमें लीगल ओपिनियन लेके स्पीकर उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं. तो ये कह रहे हैं कि कानूनी सलाह लेकर वो आगे का निर्णय लेंगे, लेकिन ये फैसला ये शिंदे गुट अपने लिए बहुत बड़ी जीत यहाँ पर मान रहा है. जी आनंद जी, अमित पांडे ने अभी वहां राहुल शिवाले से बात की, लेकिन विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, दिवाकर हमारे साथ हैं और प्रशांत चूड़े भी हमारे साथ हैं. प्रशांत, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सब कुछ जीत गए लेकिन फैसला हार गए, यानी एकनाथ शिंदे हार कर भी फैसला जीत गए, तो बाजीगर तो एकनाथ शिंदे हुए. विवेक गुप्ता, अब वहां महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या होगा? यही अब एकनाथ शिंदे और फडणवीस के लिए खुशी की बात हो सकती है, जो अभी बस 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका वो इजहार भी करेंगे और ये वो मानेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि दिखाई देता है कि अंत भला तो सब भला, मतलब आखिरकार उनकी सरकार बनी रहेगी और इसे वो जीत के तौर पर देख रहे हैं. उन्हीं के पक्ष के नेता अभी अभी कह रहे थे, अमित पांडे जिनसे बात कर रहे थे, कि जो ऑब्जर्वेशन दी गई है उसमें तमाम तल्ख टिप्पणियां की गई है अलग अलग लोगों की जिनकी भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में थी, जिस तरह से उन्होंने भूमिका सही तरीके से निभाई या नहीं, लेकिन आखिरकार फैसला तो हमारे पक्ष में आया. अब ऐसे में एक बार फिर से जबकि हमलावर होने का मौका मिलेगा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, जो लगातार ये बात दोहराते रहे हैं. अभी फडणवीस एक दिन पहले ही कह चुके हैं कि ये गठबंधन ऐसे ही बरकरार रहेगा और अगला जो चुनाव आने वाला है इसी तरह से शिंदे के नेतृत्व में ही इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, और पुख्ता तौर पर एक बार फिर वो यही बात कहते नजर आएंगे बस कुछ ही देर बाद. जी, धनुष बाण का जो ईसीआई सिंबल की जो बात हो रही है, धनुष बाण किसके पास होगा, क्या उस पर इम्पैक्ट होगा विवेक गुप्ता? और दूसरी बात, एनसीपी कह रही थी कई सारे शिंदे गुट के नेता पलायन कर रहे हैं, वापस इस ग्रुप में शामिल होने की बात कर रहे हैं, ये सारी जो हवा फैलाई जा रही थी, क्या अब वो सब सेटल हो जाएगा? अब बीएमसी के जो चुनाव आएंगे और आगे जाकर जो चुनाव आएंगे मतलब महाराष्ट्र के, उस पर क्या इंपैक्ट होगा? विवेक, आपकी आवाज नहीं आ रही. अब आ रही है, बोलिए. अब आ रही है, बोलिए. आनंद, देखिए इस पूरे मामले में सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में, कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. ये उद्धव ठाकरे का कॉल था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया उनको, बल्कि फ्लोर टेस्ट में जाना चाहिए था. अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उनको थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती थी. आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले यही पॉइंट, यही चीज एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी उठाए थे, और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने अपनी किताब में भी लिखा था कि वो उद्धव ठाकरे से नाराज इसलिए हैं क्योंकि जब उन्होंने पिछले साल सरकार जब संकट में आ गई थी, जब वो इस्तीफे की बात हुई थी, तो उद्धव ठाकरे ने किसी से भी कंसल्ट नहीं किया था. उस समय 3 लोगों की पार्टी थी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना. उद्धव ठाकरे को एटलीस्ट एनसीपी और कांग्रेस के लोगों से कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं. इसको लेकर शरद पवार ने भी काफी ज्यादा नाराजगी जताई थी. उसको लेकर शरद पवार ने अपनी किताब में भी कहा, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. वही ऑब्जर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने, विवेक जरा एक मिनट रुकिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील महाराष्ट्र के स्थिति पर बोल रहे हैं, निर्णय पर बोल रहे हैं, फैसले पर बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन दी है, इसलिए हम घड़ी की सुई पीछे नहीं कर सकते और इसलिए कोश्यारी जी को एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा और एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजोरिटी प्रूव की है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है और ये मैटर अभी डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो अभी गवर्नर और स्पीकर पे तो कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के इस्तीफे की वजह से ये पूरी केस उनकी ओर से पूरी तहस नहस हो गई और अभी एकनाथ शिंदे ही सीएम रहे। पूरा सब कुछ आकर वहीं बिखर गया जहां पर आपने स्वतः इस्तीफा दिया, उसके बाद मेजोरिटी प्रूव हो गई, उद्धव देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे का ये जो गठबंधन है ये मिल करके फ्लोर टेस्ट भी पास कर गया, सरकार बन गई, अब वापस रिवाइंड तो नहीं किया जा सकता। दिवाकर, आप सीएम मुख्यमंत्री के आवास के सामने हैं मुंबई में, वहां क्या पटाखे फूट रहे हैं, क्या वहां पर आयोजन है? एकनाथ शिंदे खबर है कि कल रात को वापस आए थे मुंबई। देखिए, कल रात को ही एकनाथ शिंदे वापस आए थे, अपने तमाम प्रवक्ताओं से उन्होंने बैठक की थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बयान देने हैं ये तमाम निर्देश उन प्रवक्ताओं को दिए गए थे। लेकिन इस वक्त, क्योंकि ये आमतौर पर एकनाथ शिंदे इस वक्त थाने में होते हैं अपना जो उनका इलाका है, लेकिन यहाँ पर आज सुबह से ही वो मौजूद थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद जाहिर तौर पर वो अब शिंदे को ये मान के चल रहा होगा कि अब उनकी एक बड़ी जीत इस फैसले में हुई है। तो यहाँ से थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे सीधा 200 मीटर की दूरी पर सह्याद्री गेस्ट हाउस है, वहाँ पर जाएंगे और देवेंद्र फडणवीस जो कि इस वक्त नवी मुंबई में है अपने तय कार्यक्रम के तहत, उस कार्यक्रम को खत्म करने के बाद सह्याद्री पहुँचेंगे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जाहिर तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खुशी का जाहिर करेंगे और ये भी बताएंगे कि हाँ, उनकी जीत हुई है और ये गठबंधन आगे भी इसी तरह से चलेगा। दूसरी अहम बात, अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में क्या होने वाला, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अब ये होगा कि क्या एमबीए अब एक रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि उद्धव ठाकरे की वजह से जो है अब वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब क्या उद्धव ठाकरे जो उनके बच्चे विधायक हैं उनको संभाल पाएंगे या फिर वो शिंदे गुट के संपर्क में आएंगे और एमबीए बचेगी या नहीं बचेगी। तीसरी अहम चीज ये कि अब जब स्पीकर के पास सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है तो स्पीकर इस पूरे मामले में क्या कर सकते हैं। स्पीकर ये करेंगे कि दोनों जो पार्टियां हैं उद्धव गुट और शिंदे गुट, इन दोनों गुट के विधायकों को बुलाएंगे, उनके तमाम पक्ष जानेंगे, पक्ष जानने के बाद फिर जो अपना फैसला है हो सकता है उसे तुरंत फैसला दे या फिर उसे रिजर्व भी कर सकते हैं। यानी अब प्रक्रिया काफी लंबी होने वाली है, 4 से 5 महीने का वक्त इसमें जाने वाला है और 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव भी है जी, और से पहले बीएमसी के चुनाव का भी ऐलान होना है। बीएमसी के चुनाव में क्या होता है, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या होता है, लोकसभा 2024 भी कगार पर है, ज्यादा उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अमित पांडे, बहुत सारे पेच हैं इसमें, अमित, विवेक और दिवाकर, इसी पर जरा बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी और लेजिस्लेचर दोनों को अलग करके देखा गया है। डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में लेजिस्लेचर में क्या घटता है वो देखने वाली बात है अमित। वहां डिस्क्वालिफिकेशन की बात तभी आएगी जब 2/3 वाला जो आंकड़ा है बंबई जजमेंट के हिसाब से वो अगर पार नहीं होता, लेकिन वो 2/3 वाला आंकड़ा शिंदे गुट ने तो पार किया है, तो इसलिए क्या इन एमएलए को डिस्क्वालिफाई किया जाएगा? देखिए, यही चीज हमने अभी राहुल चवाले से भी बात की थी जो शिंदे गुट के वकील है, तो उनका ये कहना था कि तमाम जो कानूनी ऑप्शन है उसको वो एक्सप्लोर कर रहे, सीधे तौर पर उन्होंने भी नहीं किया कहा था। इनको अच्छी तरीके से शिंदे गुट को मालूम है कि स्पीकर की भी व्हिप की जो अपॉइंट करने की कार्रवाई है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, इसलिए कोई भी ऐसा फैसला अब शिंदे ग्रुप डिस्क्वालिफिकेशन की प्ली को का जब निपटारा करने के लिए जब चुनेंगे तो वो इस ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। तो अभी विस्तृत यहां पर एक लीगल कंसल्टेशन, कानूनी प्रक्रिया की सलाह लेने की ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी और इसके बाद फूक फूक कर ये कदम स्पीकर ऑफिस की तरफ से इस मामले में आएगा जी, क्योंकि ये भी कहा गया है कि जितने भी एमएलए हैं जिन पर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उन्हें डिस्क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। दिवाकर, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की, अब आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे सेना में से कुछ एमएलए अब बाला साहेब ठाकरे शिवसेना पर आ सकते हैं, पलायन कर सकते हैं? क्या महाविकास अघाड़ी में अब बहुत बड़ी दरार होगी? क्या कांग्रेस और एनसीपी अब सारा दोष सीधा ही उद्धव ठाकरे पर मढ़ देगी?
देखिए आनंद, जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से फैसला आया है, इस फैसले के बाद उद्धव गुट खास पर उद्धव ठाकरे इस पूरे फैसले को क्या लेके बोलते हैं ये देखना काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने साफ तौर पे ऑब्जर्वेशन में कहा है कि उद्धव ठाकरे ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें वो राहत दे सकते थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया इसलिए बात वहीं खत्म हो गई और नियम के मुताबिक राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाया, फ्लोर टेस्ट में वो पास भी हो गए। तो ऐसे में जो बचे विधायक हैं उन्हें अपने गुट में रोकना उद्धव के लिए एक बड़ी चुनौती भी होने वाली है, क्योंकि अगर कहूं तो 15 से 16 विधायक इस वक्त जो है उद्धव गुट के पास हैं, तो उन विधायकों को लेकर क्या शिंदे गुट संपर्क उनसे कर सकता है या विधायक शिंदे गुट से संपर्क कर सकते हैं, उनके पास विकल्प क्या है, क्योंकि वो भी देखना चाहेंगे, क्योंकि जिन क्षेत्रों से वो चुनकर आते हैं वहां पर भी उन्हें सारी चीजें देखनी है। दूसरी अहम चीज कि क्या जो महाविकास आघाड़ी है जिसे बनाने में शरद पवार की बेहद अहम भूमिका रही थी, वही शरद पवार लगातार बयान देते रहे हैं, अपनी किताब का जो उन्होंने विमोचन किया 2 मई को उसमें भी उन्होंने लिखा साफ तौर पर कि उद्धव ठाकरे ने जो इस्तीफा दिया बिना अपने सहयोगियों को विश्वास में लेकर, बिना अपने सहयोगियों को बताए वो इस्तीफा दिया था और ये उनकी गलती थी, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनके पास विकल्प थे सरकार को बचाने के, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जब राहत उन्हें मिलती तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी राहत होती, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो गलती की उसके चलते आज पूरी महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ रहा है, और साफ तौर पर यही बात है कि अब वो महाविकास आघाड़ी, क्योंकि अजीत पवार का एक बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले ठीक पहले सामने आया था कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्पीकर के ऊपर फैसला छोड़ देगा, क्योंकि स्पीकर का अधिकार है विधायकों को अयोग्य या योग्य ठहराने का, और एक चीज उन्होंने कही थी कि शिंदे और बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं, यानी अजीत पवार ही ये कहते नजर आए कि कोई भी खतरा शिंदे और बीजेपी सरकार को नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है और जो बात है वैसे ही कहते हैं, जैसा का जैसा जैसा है वैसे ही कहते हैं अजीत पवार, कई बार इसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंसे हैं, लेकिन ये उनकी पर्सनैलिटी है और कहीं ना कहीं उनके पास वो राजनीतिक सूझबूझ भी है कि वो समझते हैं कि ये पासा कहाँ पर आकर, ये पेज कहाँ पर आकर फंसेगा और किसके पलड़ा किसका पलड़ा भारी है। विवेक, लेकिन आप उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर हैं, वहां से कोई प्रतिक्रिया की उम्मीद है, क्या वो बोलेंगे कुछ, आप मातोश्री पे खड़े हैं, क्या उद्धव ठाकरे जी से क्या उम्मीद है, क्या वो वहीं पर हैं? देखिए आनंद, अभी जो ऑफिशियल शिवसेना से मैसेज आया कि 1:15 पर मातोश्री, जो आपको मैं ठीक मातोश्री के बाहर इस समय मौजूद है, मातोश्री पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तमाम जो उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना के नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ठीक कुछ ही मिनटों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो पहली प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे की तरफ से आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे उनकी पहला रिएक्शन आएगा कि वो क्या कहते हैं, सबकी नजरें अब उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है कि वो क्या कहते हैं। देखिए ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गलतियां गवर्नर से भी हुई हैं, जो स्पीकर से उनसे भी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो गलती थी, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उद्धव ठाकरे को जो उन्होंने इस्तीफा दिया उनको फ्लोर टेस्ट पे जाना चाहिए था, अगर वो फ्लोर टेस्ट पे जाते तो थोड़ी सी उनको राहत जोर मिल सकती थी, लेकिन जो इस्तीफा उन्होंने दिया अब वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वो अब पास्ट टेंस हो चुके हैं, वो वापस का जो इतिहास उसे दोहराया, और वो उन्होंने वॉलंटरीली दिया था, उन्होंने वो स्वतः दिया था, किसी ने उनसे कहा नहीं था, किसी के आग्रह पर नहीं दिया था। एमवीए के अंदर भी पार्टियों का यही मलाल है कि भाई आपने किसी से पूछा नहीं, राज्यपाल ने कभी उनसे कहा नहीं, उन्होंने स्वतः आकर रेजिग्नेशन दिया, जिसकी वजह से परिस्थिति ऐसी बन गई कि भाई जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बाई रूल गवर्नर को निमंत्रण देना पड़ा, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सामने आई, वहां एकनाथ शिंदे ने उनका साथ दिया, उस गुट ने अलग होकर दिया, और वो भी 34 के एमएलए थे, यानी जो शिवसेना के जितने एमएलए थे 54 या 56 जो मुझे याद है, तो 2/3 का जो आंकड़ा है वो पार हो जाता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी वहां पर आता नहीं है, तो डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया, फैसला जो हुआ फ्लोर टेस्ट पास कर गए तो उसको आप ये नहीं कर सकते, तो आप उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे, उद्धव ठाकरे अपनी गलती मानेंगे, मैंने रेजिग्नेशन जल्दी दे इमोशन में आकर दे दिया और उस इमोशन की वजह से आज लीगली मैं थोड़ा फेल हो गया क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन हमारे पक्ष में थे, फैसला खिलाफ हो गया। अमित पांडे, देखिए संजय राउत का ये बयान आपने बहुत ठीक तरीके से सारी चीजों को समप किया है, और संजय राउत ने भी बयान दिया था कि कुछ पक्ष गवर्नर की गलतियां अदालत ने यहां पर पॉइंट आउट किए, तो शायद जो पहला रोल था इनिशियली पहले भाग में जो गवर्नर का रोल था
उम्मीद यही की जा रही कि उद्धव ठाकरे उसी चीज का जिक्र करेंगे और शायद इस पर ये खामोश रहेंगे कि मैंने इस्तीफा दिया या क्यों नहीं दिया, ऐसी संभावना पूरी लग रही, क्योंकि ये संजय राउत भी वरिष्ठ नेता है और उन्होंने भी अपने बयान से ये पूरी जो है जो उद्धव गुट की रणनीति है क्या होगी वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और जहां तक शिंदे गुट का सवाल है तो अभी राहुल चव्हाले भी यही कह रहे थे कि अब हम कानूनी सलाह लेकर और प्रॉपर लीगल कंसल्टेशन के साथ अगला कदम क्या होगा वो हम आगे देंगे। तो अब वो एक झटका यहां पर खा चुके, सरकार बच गई, ये सबसे बड़ी राति है, लेकिन दूसरा उनके उनके जो पार्टी के नेता के खिलाफ भी कमेंट लगे तो लीगल जो ऑप्शन है उसके मुताबिक ही कदम उठाएंगे।